और शायद से यार ये व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, बट इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि उत्तराखंड में भी काफ़ी कुछ है घूमने के लिए। तो इस व्लॉग को यार जब मैं अपलोड करूँ तो स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। हमारी पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैंने बैग निकाल लिया है। बैग है ये 60 लीटर का वाइल्ड टॉफ का, तो सफिशेंट तो नहीं है, इसमें मेरी पैकिंग होगी। जैकेट्स निकाल लिए दो, एक ट्राउज़र, और अभी डीकैथलॉन जाने के वहाँ से लेके आना है कुछ। और अब इसकी शॉपिंग देखो। हाँ भाई, शॉपिंग क्यों, पैकिंग, सॉरी पैकिंग देखो उसकी। मेरी पैकिंग हमेशा ज़्यादा होती है और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि हम जा रहे हैं ठंडी वाली जगह और मेरे को इतनी ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है कि कपड़े कम पड़ जाते हैं भाई इनके। तो देखो यार, एक दो तीन चार, इनका ऐसा लग रहा है पूरा एक मंथ का ट्रैक। सॉक्स भी डबल भाई इनका लग रहा है। और मेरी सबसे बेस्ट बात क्या रही कि अभी इन्होंने बोला कि ये तो डीकैथलॉन जा रहे हैं, मेरे साथ बेस्ट क्या हुआ, जब हमें लद्दाख जाना था, लद्दाख देख रहे हैं, लद्दाख वाली सीरीज, हाँ, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में डाल देके देख लेना। जब हमें लद्दाख जाना था तो उसकी शॉपिंग मैं पहले ही करके आ चुकी थी, ठीक है, तो वो शॉपिंग मेरी वहाँ तो काम नहीं आई, वो शॉपिंग मेरी अभी इस वाले ट्रिप में काम आ जाएगी। तो ये तो था पैकिंग वाला पार्ट, बाकी दिखाते हैं और हम लोग क्या क्या लेके आने वाले। तो मैं मिलता हूँ डीकैथलॉन जाके। तो हम लोग आ चुके हैं अब डीकैथलॉन, देखते हैं यहाँ पे क्या लेना है हमको। सो मैंने यहाँ से एक टी शर्ट ले ली है, बाकी मुझे एक लोअर बहुत ही अच्छा लगा था ट्राउज़र अपना ट्रैक के लिए, बट उसमें मेरा साइज़ नहीं मिला मुझे, तो देखता हूँ अगर मुझे मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरे पास एक दूसरा लोअर भी है तो मैं वो ट्राई कर लूँगा। फाइनली हम लोग पहुँच गए हरिद्वार और ये रही शिल्पा। रास्ते में ऐसा कुछ था तो नहीं दिखाने के लिए, बट चाय हो गई हमारी ऑर्डर। ऑल द मैं चाय तो पीता नहीं हूँ, बट अब इसने ऑर्डर कर दिया तो पी ही लेते हैं। तो कैसा लग रहा है हरिद्वार आके? नाइस। चाय ब्रेक स्टार्ट हो गया है और हमको चाय पीने की आदत नहीं है, बट और एक इस लड़की ने मेरी चाय पीने की आदत डलवा दी, पर मैं पीता नहीं हूँ। हम चाय वाय नहीं पीते। बहुत अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद माउंटेन्स में आके ना यार, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। तो अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, मिलते हैं हम आपसे थोड़ा आगे जाके, कहीं ब्रेक लेते हैं एक बार। Hey, what's up, buddy? और अपना चल रहा है अभी, क्या चल रहा है अपनी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट पे हम खा रहे हैं क्या बोलते थे, खीरा, खीरा खा रहे हैं भाई। पहाड़ी लैंग्वेज, यहाँ की लैंग्वेज में बोले तो ककड़ी। बड़ी अल्टीमेट है यार। और हम लोग आज कब तक पहुंचने वाले हैं? दो ढाई बजे तक, दो ढाई या तीन बजे तक पहुंचने वाले हैं। अरे इनको तुमने बताया नहीं हम जाकर आ रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं, बताइए कहाँ जा रहे, थोड़ी देर में बताते हैं, हम लोग डिसाइड हो जाए ना, पूरा डिसाइड नहीं हुआ है, बाकी लोग से भी पूछना है, कन्फर्म करना है। नौ बियर प्रॉस्पेक्टिव डैम, ये काफ़ी बड़ा डैम है यार, काफ़ी रश हो रहा है, हम लोग रश में फंस गए, काफ़ी लंबा रश हो रहा है। मैं दिखाता क्यों चलता हूँ मैं, खोल गया है देख रहे हो पीछे बैठा लंबा, तो आप देख सकते हैं कितना लंबा जाम लगा हुआ है वो, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ से स्टार्ट है एंड देन वहाँ तक है, और पीछे पीछे अगर आप देखें तो यहाँ बहुत ही लंबा जाम लगा हुआ है। काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं मॉर्निंग से, अभी तक पहुँचने वाले हैं, अभी तो बज रहे कुछ एक डेढ़ बजने बज गए हैं, पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। और दुशांत कैसा लग रहा है, ये फीलिंग टायर्ड और नॉट? बिल्कुल भी नहीं ना, ये तो अपना स्ट्रॉन्ग लड़का है। तो आज गोवा की रातों में आया रखे हैं। तो फाइनली हम गोवा पहुंच गए। फाइनली हम लोग गोवा पहुंच गए थे, बहुत दिन में पहुंच गए थे और बीच एक्सप्लोर करके आ रहे हैं अभी। और यार यहाँ डे वन इधर टैनिंग सा हो गया फेस पूरा, है ना, बहुत ज्यादा। और कैसा लग रहा है भाई तुम लोग को? बहुत सही, सुबह से एक बार भी ब्रश नहीं किया, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने ब्रश ही नहीं किया। सो आपसे मिलते हैं हम लोग कल मॉर्निंग में डायरेक्ट। ये मॉर्निंग अलार्म बज चुका है भाई, उठो यार पाजी, लेट हो रहे हैं, उठो मॉर्निंग यार, लेट हो जाएगी ट्रैक के लिए। गुड यही तो अभी हमारा ट्रैक थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, बट उससे पहले चल रही है थोड़ी सी
स्ट्रेचिंग तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। मैं दीक्षांत को फॉलो कर रही हूँ। दीक्षांत को मैं दिखाता हूँ, हमारे टीचर सामने खड़े हैं। वन सेकेंड। तो ये हमारे मास्टर ब्लास्टर नॉर्मल स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, और ये हमारी अनट्रेंड बंदे, इनकी स्ट्रेचिंग देखो, ये फ्लाइंग बीस्ट। तो ले देते हैं आपको अपडेट, मैं भी कर लेता हूँ भाई, चलो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आप लोग से, मैं भी कर लेता हूँ। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से। हमारे होटल से जो ट्रैक है ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, तो मैं, शिल्पा, दीक्षांत, हमारा जो फ्रेंड एलिसा है, मनीष, हम लोग सारे एक साथ जा रहे ट्रैक पे, बाकी दो फ्रेंड्स और हैं, और हमारी एक फ्रेंड और आई थी, वो रुक गई घर पे। थोड़ा जोर से बोलो तो भैया, ये आपको उठाना है, आप उठाओगे और कैसा लग रहा है यार? मैं कह रहा हूँ छोटा बैग लेके चलते हैं। नहीं नहीं यार, वो ठंडी हो, छोटा बैग एक्स्ट्रा एक, हाँ मतलब वो जो दूसरा है, तो ये बैग होगा तो सही रखने के लिए सामान जो इनके पास है, हाँ इसी में डाल देंगे। हमारा चॉपर गए, चॉपर तो अपनी जो यात्रा थी और है और रहेंगी वो गई स्टार्ट। तो अभी हम तीन ही लोग जा रहे हैं, दीक्षांत की जो फ्रेंड आई थी वो नहीं जा रही है, सो कुछ काम है, और लग तो रहा टफ क्योंकि ये वन साइड है 23 किलोमीटर। अरे यार ये तो बताया नहीं, हम जा कहाँ रहे हैं बता दे। हम लोग जा रहे हैं रुद्रनाथ। अब रुद्रनाथ क्या है, कहाँ है, किसे बोलते हैं, ये तो आपको मैं। तो अभी ये जो ट्रैक है पूरा 23 किलोमीटर का है वन साइड, तो बोथ साइड हो गया 46 किलोमीटर का। और हम लोगों ने स्टार्ट किया है चंडा ऊपर 7 o'clock, और हम लोग को आज माइट भी रात हो जाएगी 8 बजे, 8 बजे तक हम पहुँचेंगे, वो भी पूरा नहीं क्योंकि पहाड़ों में 23 किलोमीटर वन साइड करना बहुत होता है, बहुत मतलब आपको पूरा दिन चाहिए। तो ये ट्रैक हमारा कल ख़त्म होएगा एंड देन हम लोग परसों वापस आएंगे, और शायद से यार ये व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, बट इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि उत्तराखंड में भी काफ़ी कुछ है घूमने के लिए। तो इस व्लॉग को यार जब मैं अपलोड करूँ तो स्किप करके मत देखना, पूरा देखना, और आई विश मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे शॉट्स दिखाऊँ यहाँ के। हम लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं, कैमरा वैमरा सब कुछ अपने पास, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि व्लॉग अच्छा सा अच्छा बने। और आप लोगों को क्या बोलना है देखते हैं, अभी डिसाइड करें कि क्या बोलना है, अभी थोड़ी एनर्जी बचा के चल रहे हैं। तो अभी तो हम लोग चढ़ रहे हैं, अभी जब हमें 2-3 किलोमीटर बाद लगा कि हम चढ़ जाएंगे तो हम चढ़ जाएंगे, और हमको लगा कि ये नहीं हो पा रहा तो वो वहाँ चले जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ यार, हम लोग पूरा दिल्ली से यहाँ 500 किलोमीटर का ट्रैवल करके आए हैं ये करने के लिए, तो उसको वेस्ट नहीं होने देंगे और पक्का पूरा करेंगे ना हम लोग। yes. तो हाय सर, हाउ इज द जोश? हाय सर। चलो हाय पति जी, हाय। तो ये यहाँ का विलेज है जो कि गोपेश्वर के पास पड़ता है, तो अगर आप कभी भी दिल्ली से आ रहे हो तो आपको पहले चमोली पहुँचना है, एंड चमोली से 10 किलोमीटर का और आगे रास्ता है जो कि आता है गोपेश्वर में। और डोंट वरी, मैं यहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कौन हमारा ट्रैक करवा रहा है, मैं सब बता दूँगा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में नाम नंबर सब डाल दूँगा। सर आप लोग ऊपर वो काटने जा रहे हो, घास काटने जा रहे हो आप लोग? कितना ऊपर जाना पड़ता है? बहुत दूर। तो जैसे कि हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने पहले पॉइंट पे, अपन लोग हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया था
मॉर्निंग 7 AM और अभी लगेगा हम लोग को ऑलमोस्ट, हम लोग आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, कल ही पहुंच पाएंगे। और हम लोग जहां जा रहे हैं उसका नाम है, कहां जा रहे हैं मैं भूल गया, कहां जा रहे हैं ओ भाई कहां जा रहे हैं, हाँ रुद्रनाथ जा रहे हैं हम लोग, रुद्रनाथ। तो देगी अभी अपडेट, और वैसे भी अब तो 3-4 दिन तक कुछ नेटवर्क आने वाला है नहीं, और शिल्पा के कुछ बोलना है नहीं, अभी सिर्फ जाके कुछ खाना है, अभी कुछ खाते हैं फिर मिलते हैं। और हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली KFC, और बगल में ही मैकडी है, और अपनी टीम पर वेट कर रही है, और बहुत दूर से आए हम लोग, वो आप देख रहे हो लास्ट में वो गांव, वहाँ से आया है। तो अभी 2 किलोमीटर तो हो चुके हैं, एक करते हैं ब्रेकफास्ट देन, और यह स्टार्ट हो गया अपना टी ब्रेक। तो कैसा लग रहा है इतना ऊपर पहुँच के, ऐसा कुछ छोटी सी कैंटीन है, और वहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। हो जाएगा सब डियर, जय भोलेनाथ, सब हो जाएगा। या फुल तैयारी आ रही है। हाँ सही में, और ना पहले ही माइंड वो कर दो ना कि यार नहीं तुमसे नहीं होगा, फिर होगा ही नहीं, वो है चाहे। हाँ अंकल जी आ गए, इन अंकल को आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। गजेंद्र सिंह जी, जी जी जी, अभी वाले चाय बन रही है, गर्मा गर्म चाय बन रही है, परांठे बनते हैं, मैगी बन रही है, खूब खा पी के दाल भात चावल जो भी खाने हो तो सब चीज बनते हैं। अंकल सब कुछ मिल जाता है खाने के लिए ना, और रहने की व्यवस्था भी अंदर, अंदर रहने की व्यवस्था भी है, कोई कमी नहीं। बाहर वो जूस वगैरह रखा हुआ है, बाहर जूस वूस भी है, वो अपनी टीम बैठी हुई है, चरने बैठी हुई है, वो खाने में मरे पड़े हैं। चढ़ने में गर्मी हो जाती है शरीर में, तो जूस पी लो, जूस पियो, पंख लग जाते हैं, पंख बंदा उड़ जाएगा यहाँ से, हेलीकॉप्टर बन जाएगा। ये बुरांस का है, फल होते हैं जो माल्टा, उसका जूस है, और खा पी के जब जाएगा तो पंख लग जाएगा, खूब मजा आ जाएगा। जी जी जी, सीधा भगवान नजर आ जाएगा। जय हो रुद्रनाथ जी। स्टिल स्माइल्स ऑन आवर फेसेस, अ लॉन्ग वे टू गो स्टिल। तो कैसा लगा ब्रेकफास्ट, अच्छा था, मजा आया? फीलिंग बेटर ब्रेकफास्ट के बाद, फीलिंग बेटर। चलो भाई अभी तो ये ब्रेकफास्ट था, अभी ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी वाला ऊपर। इन द फ्यूचर दिस विल बी द गुड ओल्ड ब्रेक पैन। तो आप देख रहे हो कैसा पाथ है पूरा, अगर आप लोग यहाँ आने का सोच रहे हो पूरी प्रिपरेशन के साथ आना, तभी ये हो पाएगा ट्रैक आपसे। और यार मैं इतना कहूँगा, इस ट्रैक को करने के बाद आपका ऑलमोस्ट 4 से 5 kg लूज होएगा ही होएगा। और अभी हमारी पहली डेस्टिनेशन वो टॉप देख रहे हो, यस यस, एक मिनट, वो टॉप वहाँ जाना है अभी हम लोग को, देन उसके बाद वैसे एक और टॉप आएगा, वहाँ जाना फिर। और मज़ा आ रहा है भाई? बहुत ज़्यादा। चलो फिर, चलो चलो। In the future, these will be the good old days. तो अभी हम लोग मेन से ऊपर ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर आ चुके हैं, तो यहाँ पे बड़ा ही जंगलों का एक साउंड सा आ रहा था, कुछ कुटर कुटर कुटर, तो हमने कहा बस बैठ के थोड़ा सुन लिया जाए इसे। तो यहाँ चल रहा है वाटर ब्रेक, और तुमने जेब में क्या रखा है, कुछ खाने पीने का रखा है इसके अंदर? तो बहुत मोटा मोटा लग रहा है। हाँ। दीक्षांत है, तुझे इतनी गर्मी लग रही है भाई, इतनी तुमने उठाया भी नहीं है बैग, फिर भी बैग तो मैं लेके आ रही हूं, इतना बैग मैं और ये लेके आ रहे हैं। हां फिर भी तो कितने, चलो कोई अभी ऊपर आ। तो एक परक ब्रेक तो बनता है परक। और तुम क्या खा रहे हो यार? ये लोग ना भाई ये ट्रैक पे नहीं आए हैं, ये लोग आए हुए चने खा रहे हैं, वो बंदा ब्रेड ब्रेड खा रहा है, कुछ दो बंदे ने तो तुमने भी है पर तुम्हारे रिकॉर्डिंग में नहीं आया है। मैं देखो यहाँ से बताओ, मैंने सिर्फ टोटल 1.5 ब्रेड खाई थी बस, और 2 पार्ले जी के बिस्किट्स खाए थे, 3 ग्लास चाय पी, वो चाय में पीता सिर्फ डिप करने के लिए लिया था मैंने, सही बात, डिप करने के लिए लिया था ना। अब ये मेरा एक छोटा सा सस्ता सा 5 रुपए का, मात्र 5 रुपए के खर्चे में एक पर्क का ब्रेक चला है, पर्क का ब्रेक या फ्रूट्स है ना अपने पास,
सेब है, सेब एक सेब है। तेरे पापा तेरे वो शेक कहाँ गया तेरे कल बनाया था, दिल्ली से लेकर आया था शेक, वो खराब हो गया उसमें ना सोया मिल्क वगैरह था वो। और ध्यान से देखिए लोगों को, ये वो लोग हैं जो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए बैग कैरी कर रहे हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। इन वादियों में टकरा चुके हैं फिर यू तो कोई, बहुत ही गंदा गाना गाता हूँ, बहुत ही गंदा। और थोड़ा सा अब हो गया टिपिकल चढ़ना, जय माता दी सारे। आप देख सकते हो यहाँ ओम नमः शिवाय, बहुत ही खाई जाता है। चलो 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 चलो, कैसा लग रहा है पानी की आवाज़ कैसी लग रही है? अच्छा। तो वाटर क्रॉसिंग हो रहा है, ऐसे भी बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग आने वाले हैं, पूरा नेचुरल पानी है। अब अपनी बारी क्रॉस करने की। यार दिल्ली में तो यार पूरा लोग मास्क वास्क पहन के घूम रहे हैं और यहाँ पे तो क्या बताएं। और फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने पहले बुग्याल पुनार। वो देखो यार, मतलब आप लोगों को बाइट भी समझ में नहीं आ रहा होगा कैमरे में तो, बस बहुत ही अल्टीमेट है। अभी ये मेन वहाँ से 4 किलोमीटर था, अल्टीमेट यार। मतलब अगर स्टार्टिंग कितनी ख़तरनाक है तो यू नो एंडिंग कितनी ख़तरनाक होगी, पूरे इतने पहाड़ों के बीच में सिर्फ आप ही लोगों और कोई नहीं। तो लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे हमारा। भाई कब पहुँचे आप लोग? एक घंटे पहले मतलब लेट चल रहे हैं, इसका मतलब बहुत लेट। वहाँ कहीं जाना है अभी, देखो। और कैसा लग रहा है ब्रो पहुँचते हुए ऊपर? बढ़िया, इजी पार्ट था ये, इजी पार्ट था ये तो। और कैसा लगा इतना ऊपर आके? इसका नाम क्या है, कौन सा बुग्याल है ये? है पुंग बुग्याल, पुंग बुग्याल पहुँच गया। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने पहले पुनार बुग्याल पे। कैसा लगा अभी तक का जर्नी? बहुत अच्छा लगा। पहले शुरू के 2 किलोमीटर तो मुझे लगा कि मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, बट देन व्हेन कुछ खाया पिया उसके बाद बेटर फील हुआ, थोड़ी एनर्जी आई, हम थोड़ा सा बीच में थोड़ा रुकते गए। यस, इट वाज फाइन, अच्छा था। और अभी तो हमने सिर्फ 4 किलोमीटर किया है तो अभी 19 किलोमीटर और बचता है, बट हो जाएगा। और अपने दोस्त यार वहाँ बैठे हुए हैं और है बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतने टाइम से कोविड में बैठे थे, कहीं गए नहीं थे, तो मज़ा आने वाला है। अभी तो स्टार्टिंग है यार, आगे देखो क्या क्या होने वाला है। और मॉर्निंग का एक पहले ब्रेकफास्ट के बाद एक दूसरा ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तो पेट पूजा ही नहीं ख़त्म हो रही। मैंने भी फिर सोचा मंगा ही लेता हूँ खाने के लिए कुछ, अपने खाने में भी रोटी और दाल आई है, क्योंकि हम लोग को अभी जो जाना है आज में वहाँ पहुँचना है। दिखने में तो बहुत पास लग रहा है, बट वो ऊपर यहाँ से होएगा कुछ 8-9 किलोमीटर है, बट है बहुत दूर। शाम हो जाएगी, 6 बज जाएगी पहुँचते। देख फिर वहाँ पहुँचे मिलते, बाकी रास्ते में दिखाते हैं। अब यहाँ से होते हुए, जंगल से होते हुए, घूमते फिरते होते हुए पहुँचेंगे। डोंट वरी यार, हमारी वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम आपको पूरा दिखाएंगे, बाकी लोगों की तरह नहीं दिखाएंगे, आधा आधा पूरा दिखाएंगे कितना टाइम लगता है पहुँचने में। तो अपन तीनों लोग का चल रहा है, चल तो कह रहा है, ऑलमोस्ट सब खा ही लिया है भोजन। हाँ मैडम, क्या क्या खाया आपने? मम्मा मिया, मैंने खाया पास्ता, पास्ता नो, मंचूरियन नो, एंड चपाती नो, चॉपसी भी है यहाँ पर, चॉपसी भी, अमेरिकन चॉपसी। और अभी सीसीडी से हमने कॉफी ऑर्डर करी है। हाँ, आपने कॉफी मेरी आज डबल शॉट कैपुचिनो। बहुत अल्टीमेट खाना बनाया है। खाने में दाल, चूल्हे की रोटी बहुत टेस्टी वाली, चूल्हे की रोटी है थोड़ी, मतलब उसमें लगा हुआ है माल साइड में कुछ हरा हरा काला काला, वो तो राख है ना, राख लगी हुई है, गुड़ वो भी गांव वाला ना, और गुड़ दाल है मिक्स वाली, तो एक बार को टेस्ट करके बता दूंगा सब खाने में। ऐसा दाल में सोयाबीन, चना बहुत अच्छी हुई है, बिना प्याज की है, बिना प्याज लहसुन की है, बट अच्छी हो रही है, क्वालिटी मेट रही है। तो यहाँ से निकला जाए फिर खा के? अब हाँ, मुझे बहुत लेट हो जाएगी हम लोग को। वो वहाँ पहुँचना है उन वादियों में। सो फाइनली अब अपना हो गया पहला ब्रंच, तो हम लोग निकल रहे हैं आगे।
चले फिर। हाँ बिल्कुल, लेट्स गो। चलो 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 चलो, गो गो गो। अभी ये पूरा जाते हुए जंगल से होते हुए अल्टीमेट यार, अभी ना कितना पूरा कर्व बना हुआ है। आ रहा मजा? चलो 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 चलो, आराम आराम से जाना, तो स्लिपरी हो रहा है। और पहला वाटर क्रॉसिंग, पहला तो नहीं, दूसरा किसी वाटर क्रॉसिंग करते हुआ। पहले पहले यहाँ रखना है फिर यहाँ। ठीक है, पानी बहुत ज्यादा है ना? नहीं ज्यादा नहीं है। चलो आजा पास। अभी टोटल 6 किलोमीटर हमने कर लिया है, बचा है और 5-6 किलोमीटर और। अगर जल्दी पहुंच गए तो आज पूरा कर लेंगे 23 किलोमीटर, बट 23 मुश्किल लग रहा है, तो 6 ही हुआ है यार। और ये लोग अभी नीचे पहुंच गए, इनका अपना कोई टॉपिक चल रहा है, तो दिखाता हूँ और क्या क्या दिखेगा। जितना भी जंगल वाला पार्ट था ये ख़त्म हो रहा है, और अभी हमने 7 किलोमीटर कर लिया है और हम थोड़ा खुले में आ गए हैं। और हमारा वो अभी भी बहुत काफ़ी यार, तो चलते हैं। तो हम लोग खुले मैदान में पहुंच चुके हैं, और अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले हम लोग वहाँ थे, पुंग बुग्याल में बैठे थे, और हम लोगों ने स्टार्ट यहाँ से किया था। तो ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर पूरा हो चुका है, तो अभी जर्नी हमारी वहाँ की है, तो हो जाएगा, कवर कर लेंगे हम लोग। और ट्रैक करते करते काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, एक इशू हो गया है कि पानी हो गया ख़त्म। और सबसे बड़ा इशू है ये, एक इशू दिल्ली में है और एक और एक इशू यहाँ हो रखा हमारे साथ कि पानी हो गया ख़त्म और यहाँ पानी कहीं मिल नहीं रहा है। माइट भैया झरना तो होना चाहिए ऊपर ना, होएगा यार, कुछ ना कुछ ना। तो अगर आप कभी भी ट्रैक पे आए तो यार अपने साथ ना एक दो बॉटल एक्स्ट्रा कैरी कर लेना। एक बॉटल की 3-4 बॉटल रखो यार। हाँ कैरी तो हमने भी किया था, पर ये जो सामने बैठी है ना मोहतरमा जी, इनने फेंकवा दिया, मेरे से गिर गया था, इनसे गिर गया, फेंको उस पानी को अब, तो ये गलती कभी मत करना। हम लोग ने 9 किलोमीटर तो कर लिया है, अभी बच गए 1.5, थोड़ा सा बीच में ब्रेक चल रहा था, और बहुत मज़ा आ रहा है यार। एक तो यहाँ पे कोई है नहीं, बहुत लिमिटेड लोग आए यहाँ पे इस पर। शिल्पा कैसा लग रहा है? सही लग रहा है ट्रैक करके। क्या ये 10-10 बार मुझसे पूछ रहे होगे शिल्पा कैसा लग रहा है? अबे शान तो तुमको मतलब क्या लगता है, तुम्हें लोगों को बताना चाहिए कि हाँ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, तुम अलग ही एक्सपीरियंस है ना। बिल्कुल। अब हमारे पीछे वो देखो यार, पूरा डाउन एकदम, क्या बताना आपको लोगों को? सिर्फ यही बोलना है कि प्लीज़ यहाँ पर आओ, ट्राई करो इस एक्सपीरियंस को। आपको लगेगा एट एवरी किलोमीटर कि एनर्जी ख़त्म हो रही है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट द गेम ऑफ योर माइंड, आपके माइंड का खेल है। इफ़ यू विल कीप पुशिंग योर माइंड। शिल्पा चल 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 चल, पहुँचने वाले बस, हमारी मंजिल थोड़ी सी और ऊपर है यार। मज़ा तो बहुत आ रहा है, बस ये पानी वाला पंगा पड़ गया यार, पानी नहीं हमारे पास, गला सूख गया है। बीच में एक दो लोगों से लिया था जो ऊपर से आ रहे थे, हमको भी पता नहीं था दुकान है नहीं, बट कोई नहीं, बस सब पहुँचने वाले शॉप पर, किसी ने बताया कि शॉप आने वाली है तो मिलेगा यहाँ पे पानी, और इस जगह शॉप का नाम होएगा लूटी बुग्याल। तो जहाँ हमने आपने देखा ना वीडियो पहले, जहाँ हमने पहले खाना खाया था, उसके बाद लूटी बुग्याल आता है। हाउ इज़ द जोश, अब कोई बोलेगा हाय? वहाँ पहुँचना है हमको,
सो फाइनली वो शॉप आ गई है जिसका हमें मॉर्निंग 10 बजे से इंतज़ार था, और बिना पानी के हालत तो ख़राब हो रही है, बट कोई नहीं, आ गई पानी पिएगे यहाँ हम। चलो कुछ खाते पीते हैं फिर मिलते हैं। और अपना चल रहा है भात दाल का ब्रेक, मतलब राइस एंड दाल का ब्रेक चल रहा है। कार्ब्स 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 लोड करनी बहुत ज़रूरी है। मेरी प्लेट साफ हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। हमने दोबारा लिया वो अपने भाई जो रास्ते में छोड़ दिया और कहीं का नहीं छोड़ा, तो यहाँ से अभी करके खा पी के निकलते हैं हम लोग। हाँ सही है यार, ऐसा लग रहा है कि इस बार तो 5-6 किलो वेट कम हो ही जाएगा। ऑल द वे बस लास्ट 2 किलोमीटर लेफ्ट पहुँच जाएंगे, और सुबह 7 बजे निकले थे और अभी देख रहे हो 4 बज चुके हैं, 4, तो अभी स्टिल 1.5 घंटा और है, पर कोई नहीं पहुँचेंगे। बस थोड़ा व्लॉग लंबा होने वाला है, और बाकी जो बचा हुआ 8 किलोमीटर है वो कल करेंगे। आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट 14-15 किलोमीटर कर लिया है जो कि बहुत अच्छा है, और शिल्पा भी निकल गई है ऊपर, मैं थोड़ा बैठ गया था, तो चलो मैं भी निकलता हूँ। लूटी बुग्याल पहुँच चुके हैं, वो सामने तो बड़ा बुग्याल देख सकते हैं, और क्या बताऊँ यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल की बहुत कमी है, पहुँचने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा और बहुत कुछ देखना बाकी रह गया है। सामने आप देख रहे हो माउंटेंस, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितनी बर्फ़ पड़ी ऊपर। यार हमारे पास लास्ट 1 घंटा बस, उसके बाद ये सूर्य देवा देवता भी चले जाएगी यहाँ से, और फिर हो जाएगा अंधेरा, तो हमें कैसे भी करके लास्ट 1 आवर्स में ऊपर पहुँचना है, नहीं तो लग जाएगी बैन। सुबह 6 बजे के चले हुए हैं, 5-7 बजे के, और अभी बज गए हैं अपने कुछ 5, तो चलते हैं ऊपर। ओ एम जी, इसी व्यू के लिए तो हम लोग यहाँ आए थे, सामने माउंटेंस और इधर भी थोड़ा स्टार्ट है एंड फुल ऑफ स्नो, एंड ये लोग जा रहे हैं ऊपर। मानना पड़ेगा यार, मेरी वाइफ को आ गई, तो भरोसा था मेरे को कि वो आ जाएगी, बट उसने भी यकीन में कर दिया कि वो ट्रैक कर सकती है। वो अभी और ऊपर है, अब ज़्यादा नहीं है, 1/2 घंटे का है, पहुँचते फटाफट यार, ये तो ठंडी लगेगी। फाइनली अभी पूरा नहीं हुआ यार, अभी पूरा ट्रैक नहीं किया है, और जितना भी किया है, और मेरे बैक्स आउट बैकग्राउंड में वो माउंटेन देख सकते हैं आप लोग, अल्टीमेट लग रहा है यार। कितना टाइम बाद, मतलब कोई मास्क नहीं, कोई सैनिटाइज़र नहीं, अल्टीमेट। तो फटाफट हम लोग ऊपर पहुंचते हैं, और मैं एक बार आपको उसका जूम करके व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है माउंटेन, एंड यू कैन सी कितना अच्छा बुग्याल है हमारे सामने। यार आप लोग उत्तराखंड एक्सप्लोर करो, आप लोगों को स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अल्टीमेट पीस एरिया है, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप आ सकते हो, इतनी प्यारी हंसी है। इसके लिए आप लोग इतना पैसा स्पेंड करके स्विट्ज़रलैंड जाते हो, तो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट यू कैन विज़िट रुद्रनाथ, और भी बहुत सारी जगह आप लोग यहाँ आ सकते हो। फाइनली पहुँच गए अपना आज के डेस्टिनेशन में, जो कि मेरे बैक साइड में है, वो वहाँ रहना हम लोग को, अब यहाँ कैंपिंग करेंगे। ये पूरा बुग्याल है भाई, बहुत ठंडी है, पूरे 12 घंटे लगे हुए हैं पहुँचने में, कैप वैप निकल गई है, अभी कपड़े जाएंगे अंदर और निकलिए मोटे मोटे कपड़े, तो मैं मिलता हूँ आपको सीधा कैंप। आगे लाना है इसको भी, टी ब्रेक चल रहा है, इवनिंग टी एंड स्नैक्स, मनीष भाई यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी अपने कुछ और भी भाई आ रखे हैं, ये सब भी यहीं बैठे हुए हैं। हाय व्हाट्सअप,
भाई कैसा लगा ट्रैक करके? आया मज़ा? इसलिए हो गया था, कल सुबह निकलते हैं टाइम से, यहाँ 5:30 दो भाई लोग वहाँ बैठे अपने, मैडम यहाँ बैठी। मैडम कैसा लगा फिर? बहुत सही, ये रेडियो में आपका चमक रहा है। तुम्हें पीछे छोड़ के और अच्छा लगा। हाँ यार, इस लड़की ने मेरे को पीछे छोड़ दिया, वही मेरी अचीवमेंट है। तो मनीष भाई अपना कुक कर रहा है। मनीष क्या बना रहे हो तुम भाई? दाल फ्राई। दाल फ्राई बना रहे हो? दाल तड़का। दाल तड़का विद मंचूरियन सन। लाइव काउंटर लगेगा बारह में। ठंडी हालत खराब हो रही है भाई यहाँ पे। अरे मनीष भाई नहीं होते तो मस्ते नहीं, बताऊँगा कैसे। और आगे अपने डिनर डिनर करने के लिए सामने पंडित जी बैठे हुए हैं, दूसरे पंडित जी। खाने में क्या आज? खाने में है बढ़िया तवे की रोटी और दाल, और हमारे शेफ साहब सामने बैठे हुए तो खा के मिलते हैं। चलो भाई अब ताकत नहीं है बोलने की भी। फाइनली अपना डिनर हो गया है, बहुत अंधेरा है और बहुत ठंड है, बहुत ठंडी है यार। देख सकते हो मैंने लिटरली पूरा ब्लैंकेट ले, और ये तो कुछ नहीं है, और नहीं बोला यार, नहीं बोला यार, मतलब एक यार कल तो उंगलियां ऐसे सूज गई है, बना नहीं सकती। और हमको कल मॉर्निंग में इतने अंधेरे में निकलना है, 4:30 इन द मॉर्निंग, तो बहुत बैड बैड वाली। हम लोगों को वो जो प्रेयर होती है वहाँ पर, हमें वो देखनी है, सिर्फ उसके लिए हम जल्दी निकलना चाहते हैं। और यार ऊपर क्या स्काई है, क्या स्टार्स आए यार, आई विश हम लोग आपको दिखा सकते यार, मतलब फोन के थ्रू इट्स नॉट पॉसिबल कि ये दिखाया जा सके, पूरा का पूरा स्काई फुल ऑफ स्टार्स। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पर। हमारी शक्ल को इग्नोर करना यार, एकदम बहुत गंदी बद्दी शक्ल आ रही है हमारी। तो मिलते हैं फिर कल, हमसे खड़ा नहीं हो जा रहा मैं। अभी अभी रात के 8 बज रहे हैं, 8 भी नहीं बजे सही से। हाँ, हमने 7 बजे सो गए, डिनर कर भी लिया था, बस अब हम सोने जा रहे हैं। चलो चलो चलो, गुड नाइट, गुड नाइट, मिलते हैं। पहली बार में देख लिया भाई, मैंने कहा चुपचाप नीचे देख और आगे आ जा मेरे पीछे, मतलब मुझे पता था ये घबराएगा, मैंने कहा मेरे आगे आ जा, कौन राइट हैंड साइड में डंडा पकड़ियो इन केस अगर, क्योंकि वो उस टाइम पे एक ही था। अच्छा ठीक है, मैंने इसको बोला आगे आ जा और अपने राइट हैंड साइड में डंडा पकड़ियो, और जब मैं बोलूंगा चिल्लाइयो, सिर्फ चिल्लाइयो, रिएक्शन हुआ तो ठीक है, सिर्फ चिल्लाइयो। और अगर मुझ पे अटैक करता है, क्योंकि मेरे हाथ में टॉर्च था उस टाइम पे, तो उजाला ही था, ऑलमोस्ट डिम हो रहा था ठीक है, तो वो उधर पे ही बैठा रहा, घूरता रहा, उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। एकदम से वो आगे जाने लगा, थोड़ी सी मतलब कम से कम हमने 20 मीटर क्लियर किया होगा, दो दूसरा सामने या वहीं पे वही वही उसी जगह पे दूसरा आ गया, दूसरा ऐसे देखने लगा।